तो हम लोग अभी एक बकरी है जिसको काट लिया है रेबीज वाला डॉग कुत्ता, और वो जो है पागल हो चुका है वो बकरी, और पूरा कुत्ता की तरह बिहेवियर कर रहा, काटने दौड़ा रहा उसको। यहाँ पर कुछ रेलवे कर्मी लोग देखे हैं, उन लोग को दौड़ाया है, काटने की कोशिश प्रयास किया लेकिन काट नहीं पाया। हमारे पास सूचना है, हमारा टीम के पास, मुझे सांप बाइट किया था कुछ दिन पहले, हम लोग वीडियो में देखे। सर तभी मेरा शरीर ठीक नहीं है, तबियत ठीक नहीं है, फिर भी हमको आना पड़ा क्योंकि इसका जो आक्रामक स्वभाव था, मेरे लड़के लोग भी डर चुके थे, इसीलिए हम आए हैं। तो हम लोग बकरी जो मिल गया है उसको हम लोग वीडियो दिखाते हैं, आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों। हमारा काम है कि सिर्फ स्नेक रेस्क्यू नहीं, जितना भी वन्य प्राणी है, कोई भी बेजुबान जानवर कहीं पर फंसा हुआ है या मुसीबत में है या जिससे सामाजिक या समाज में कोई खराब प्रभाव पड़ सकता है या किसी को जान ले सकता है, उससे किसी को खतरा है, उस जीव को हम लोग बचाते हैं, फिर पुनर्वास के जंगल में छोड़ते हैं, या उससे जो सही होता है उस चीज़ को हम लोग कोशिश करते हैं करने का। और इसमें हमारा पूरे टीम हमेशा इन्वॉल्व रहता है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारा टीम चाहे रात चाहे दिन हमेशा अक्सर तैयार रहता है। कहाँ ले आया? जैसे आगे गड्ढा में गिर जाओ, जैसे यहाँ तक आएगा ना गड्ढा में गिर जाओ। काट लेगा अच्छा से। जंगल में बहुत देर से ये रो रहा था, बहुत देर से। हम लोग जब देखे कि इसको डॉग ने काटा है कुत्ता, और इसको रेबीज पकड़ लिया कुछ देर पहले, ये हम लोग को दौड़ा रहा था काटने के लिए, और बहुत तेज़ी से दौड़ा रहा था। हम दो बार गिरे हैं, क्या कि मेरा पास कुछ औजार नहीं था इसको पकड़ने का। और ये जहाँ पर काटा आप देखिए, इधर देख सकते हैं, ये इधर इधर मुझे पता होता, खड़ा मत करो, खड़ा करने की शक्ति सिता दिए अभी भाभी, तो रेती होगा रेती। तो इसको हम लोग जो है इंजेक्शन देंगे यहाँ पर, प्याज काट रहे हैं, हाँ रेबीज का, हो सकता है ये ठीक हो जाए। लेकिन इसका पेट देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इसको, हाँ हाँ पेट भी खुल। ये रेबीज का इंजेक्शन दोस्तों हम लोग दे लेंगे, देने के बाद किसका है ये पता नहीं, इसका मालिक कौन है, लेकिन देख के इसको कम से कम छोड़ देंगे तो कम से कम रेबीज नहीं फैलेगा। हाँ अभी पता नहीं इसको कब काटा है, लेकिन इसका जो सींग वो टूटा हुआ वो अभी कुछ देर पहले ही, उसका यहाँ कहीं ना कहीं तो जरूर किया हुआ है, उसको अटैक तो किया हुआ पिता रेबीज उसको लगा। तो पकड़ना कस के
दोस्तों ये इसको हम लोग रेबीज का इंजेक्शन दिए और ये बहुत तेजी से काटने के दौरान जैसे कि आप देख रहे हैं मुंह खोल रहा और लकड़ी पत्थर कुछ भी खा रहा और हम लोग को हमको बहुत हमला किया है। और जैसे कि आप वीडियो में देखे थे कि हमको स्नैक बाइट हुआ था और मैं बहुत स्वस्थ नहीं था, अभी जो है कमजोरी बहुत महसूस हो रहा हमको। फिर भी ये कम से कम बहुत देर से यह जंगल में रो रहा था, कुछ आदमी लोग हमें सूचना दिए तो हम आए। देखिए बकरी है और ये दूसरा किसी को भी काट लेगा तो उसको भी रेबीज हो सकता है। उसके साथ साथ ये मालिक का तो पता नहीं चला, लेकिन फिर भी हमारा जो कर्तव्य बनता है हमारा रेस्क्यू टीम का, हम लोग को अक्सर बेजुबान जानवर को बचाते हैं और उसको जो है सही करने की कोशिश करता है। तो इसको इंजेक्शन दिए, उम्मीद है ठीक हो जाएगा और इसको हम लोग कोशिश करते हैं कहीं पर रखेंगे ऑब्जर्वेशन में ताकि ये ठीक होने के बाद इसका मालिक खोज के दे, नहीं तो अगर ये अगर मौत हो गया इसका तो इसको फिर हम लोग ज़मीन में गड्ढा करके गाड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये इसको जो भी खाएगा इसका जो वायरस फैल सकता है, बीमारी जो है जो रेबीज है वो फैल सकता है। दोस्तों इसको हम लोग रेबीज का इंजेक्शन दिए हैं और जहाँ जहाँ काटा है, बाइट किया है ये डॉग, तो बहुत ज़्यादा इसको पेन कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको एक पेन किलर का भी इंजेक्शन दे रहे हैं और ताकि ये कम से कम सर्वाइव कर सके कुछ देर तक। और इसका जहाँ जहाँ घाव है उस घाव को भी हम लोग साफ करके अभी हम लोग इसको घाव में जो है ये ऑक्सीजन जो है ये देंगे ताकि ये इसका घाव जल्दी सूख जाए। और दोस्तों आप सभी को अनुरोध है कि आप हमारा जो चैनल है बापी द स्नेक एक्सपर्ट, इस चैनल को आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग जो कार्य करते हैं इससे प्रभावित होकर अगर कोई आदमी ऐसा अपने क्षेत्र में अपने एरिया में ऐसा कोई बेजुबान जानवर है उनको मदद करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी एक बार करके देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये इसका कोई मालिक कौन है पता नहीं, या कोई भी जानवर हो जिसका कोई नहीं है उसका इंसान है, इंसान आप इंसान के रूप में उसको मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग इसको छोड़ देंगे और यहाँ निगरानी में हम लोग रखेंगे और उम्मीद है ये बच जाएगा, क्योंकि इसको कुछ देर पहले ही इसको डॉग बाइट किया था और इसका इम्यूनिटी कम के कारण जल्दी इसका वायरस जो है एक्शन लिया है जल्दी, और इसीलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। पहले समझ आता है कि ये अटैक भी करता है हम लोग को, वो तेज़ी से अटैक करता है। ये Oh!